हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक। आप ऐसे ही बने रहिए, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम वीडियो लेके आते रहेंगे डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट, डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री पॉइंट। नए जुड़े सब्सक्राइबर के लिए एज यूजुअल छोटी सी इंफॉर्मेशन कि रेड डाइस एक इंफॉर्मेटिव चैनल है जो देता है आपको हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं अपने क्रिकेट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, कि वो कैसे बनता है, उसकी हर बारीकी जानना चाहते हैं। और हम कोशिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आप जानना चाहते हैं। कॉन्टेस्ट 11 चल रहा है, उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सी कंफ्यूजन दूर करने वाला है हर वो प्लेयर्स की। और थोड़ी सी जान सौखी करनी चाहूँगा उन बैट बेचने वालों की जो बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं गाइड करने के लिए अपने कस्टमर को कि वेट बैट का क्या होना चाहिए। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मेन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जी मेरे लिए सही वेट क्या है बैट का। देखिए, बच्चा क्रिकेट शुरू करता है 8-9 साल की एज में, उसके लिए डिफरेंट साइजेस के बैट हैं। 3 नंबर साइज का बैट, 4 नंबर साइज का बैट, 5-6 हैरो फुल साइज। देखिए, जो नॉर्मली जब बच्चा क्रिकेट शुरू करता है तो वो 4 नंबर का बैट यूज करता है। हाइट के हिसाब से बैट की साइज डिसाइड होती है। 5 नंबर का बैट, 6 नंबर का बैट, जो नॉर्मली सब कंपनीज बैट का वेट रखती हैं, जैसे 4 नंबर का बैट का वेट 900 ग्राम, 950, 30-40 ग्राम ऊपर नीचे, 5 नंबर का 950 ग्राम, 6 नंबर का 1 किलो, 1 किलो 50 ग्राम के आसपास। तो ये एक जनरल वेट रहता है बच्चों के लिए, होना भी चाहिए बच्चों के लिए। बहुत ही वेट मैटर करता है, रीज़न कि उनकी बॉडी प्रॉपरली नहीं बनी हुई होती और जो कोचेज हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर रहते हैं और होने भी चाहिए कि बच्चे के बैट का वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की बिल्ट के हिसाब से बैट का वेट चूज करना चाहिए। क्योंकि अगर बैट ज़्यादा भारी होगा तो बच्चे का जो नेचुरल रिफ्लेक्स है वो रिस्ट्रिक्ट होता है समहाउ। तो 6 नंबर तक तो जो वेट है वो मैंने आपको बता दिया है, बट समहाउ कई पेरेंट्स क्रेजी होते हैं जी 6 नंबर का बैट चाहिए, 5 नंबर का बैट चाहिए, वो भी हमें मोटा बैट चाहिए। जी भाई, आपके बच्चे ने छक्के नहीं मारने और ना ही उसको सिखाया जाना है। आप हल्का सा बच्चा लॉफ्ट करता है, कोच साहब बोलते हैं कि भाई छक्के नहीं मारने और ना ही उससे बजने हैं, तो अननेसेसरी बैट मेकर के पीछे या बैट बेचने वाले को जी 6 नंबर का बैट चाहिए पर मोटा चाहिए, 5 नंबर का बैट चाहिए मोटा चाहिए, उसको बॉल रोकने सिखानी है। तो ज़्यादा फंसी ना होइए बच्चे की बैट की थिकनेस के रिगार्डिंग, जस्ट एक प्रॉपर वेट देखिए जो एक आइडली बच्चे की बिल्ट के हिसाब से है। तो ये तो था बच्चों का कॉन्सेप्ट। अंडर 16 का बच्चा हो जाता है, प्रोफेशनली परस्यू कर रहा है, फुल साइज बैट यूज कर रहा है, यस उसको बैट हल्का चाहिए। क्यों? वो क्रिकेट सीख रहा है, वो 3 डे क्रिकेट खेलता है, वो 4 डे क्रिकेट खेलता है, पूरा दिन बैटिंग करता है, वो नहीं उठा पाएगा 1200 ग्राम का बैट। ठीक है, 1150, 1160, 70 ग्राम का बैट अच्छा रहता है, लाइट है। 1170-80 ग्राम का बैट जिनके दिमाग में ये विजन बैठा हुआ है कि जी ये मीडियम वेट बैट है, नहीं, एनीथिंग लेस देन 1200 ग्राम इज लाइट बैट, आप जितना मर्जी लंबा उससे खेल सकते हैं। शुरुआत के लिए ये वेट बहुत ही आइडल है, बट उससे आगे होती है कम्पिटिटिव क्रिकेट शुरू। अंडर 19, 20-20 मिलने शुरू हो जाते हैं, बड़े मैचेस मिलने शुरू हो जाते हैं, 16-17 की एज में IPL तक का नॉक करना शुरू कर देता है बच्चा। फास्ट क्रिकेट नहीं चलेगा 1170 ग्राम का बैट, लंबी मारनी पड़ती है, छक्के मारने पड़ते हैं। बैट का वेट अगर 1220-1230 ग्राम नहीं होगा, नहीं 2020 आप खेल पाओगे। फर्क कितना होता है? फर्क कुछ नहीं होता है, हम अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं।
और 99.9% बैट बेचने वाले जो सुन रहे हैं मेरी बात, वो इस बात को एग्री करेंगे कि बच्चा बैट लेने आता है, मुझे लाइट वेट बैट चाहिए। हम या शॉपकीपर बैट दिखाते हैं, बच्चा बैट उठाता है और फील करता है, पाजी जबरदस्त बैट, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। फिर बैट सिलेक्ट हो जाता है, अच्छा उसको लग रहा है, पर फिर एंट्री होती है इसकी। फिर एंट्री होती है इसकी, इधर दिखा, फिर जब बैट वेट दिखता है 1250 ग्राम, तो फिर बच्चा कहता है कि ओहो इतना भारी, ये तो मेरे से उठाया ही नहीं जाना, मैं तो इससे अगले जन्म में भी नहीं खेल पाऊंगा। 1 मिनट में ओपिनियन चेंज हो गया इसकी एंट्री से, भाई इसने ग्राउंड में नहीं जाना, ये यहीं पे रहना है, बैट आपने उठाना है, वेइंग स्केल पे रख के नहीं खेलना है। होता क्या है, एक साइकी बनी हुई होती है, हम जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं ना, अब मैं सबको बीच में कंक्लूड कर रहा हूं, क्लब क्रिकेटर्स जिन्होंने सिर्फ संडे खेलना है, अब्रॉड के क्रिकेटर जो 5-6 दिन ठोक के काम करते हैं, 1 दिन क्रिकेट खेलना है, मैं सब उनको इंक्लूड कर रहा हूं जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है शौकिया, सब आते हैं उसमें, फॉलो करते हैं बड़े प्लेयर को, इंटरव्यू सुनते हैं, कोई बड़ा प्लेयर क्या देता है, कोई इंटरव्यू पूछ लेता है कितना वेट खेलते हो जी, 1160 1170 ग्राम, भाई इनिंग के शुरू में बंदा खेलता है वो, आपको नहीं आइडिया कि जब मार धाड़ करनी होती है उनके बैट का वेट क्या होता है। आप टीवी में बैट देखते हैं, क्या मैसिव बैट होते हैं, आपको क्या लगता है वो 1160 ग्राम के होते हैं? नहीं, ये जो लंबे लंबे छक्के बजते हैं उसमें बैट का भी एक रोल होता है, और हम जो बैट मेकर हैं हम बहुत ही कंपटीशन से निकल रहे हैं, और हमारे ऊपर भी प्रेशर है एक अच्छा बैट देने का, अच्छा परफॉर्मिंग बैट देने का, कि आप जो पैसे खर्च करें वो पूरे हों। आइडली जो बैट का वेट होना चाहिए वो 1220 30 40 ग्राम होना चाहिए हर वो प्लेयर के लिए जिसने संडे टू संडे खेलना है। बहुत से जो इंडियन कंडीशंस है वहां पे 180 रुपए का बॉल लगता है, 220 रुपए का, 250 रुपए का बॉल पत्थर होता है वो। इंटरव्यू सुन के 1180 ग्राम का बैट तो आप ले लेते हो, पर जब 3 महीने लगा के उसको ठोक ठोक के तैयार करते हो, 2 मैच खेलते हो, 3 मैच खेलते हो, रिपेयर वाले के पास लेके जाना पड़ता है, वो मेक शिफ्ट रिपेयर कर देता है, 5वें 6वें मैच के बाद आपको लगता है यार ये तो टूट गया, पैसे भी नहीं पूरे हुए, ऐसे भी होता है। अगर आपको एक प्रॉपर परफॉर्मिंग बैट चाहिए तो आइडली 1230 40 50 ग्राम तक ही होगा, उससे नीचे कोई भी अवेलेबल बैट, हम मेकर हैं हमारे हाथ में सारी चीजें होती हैं, बट हम ऑनेस्ट रहते हैं। मैं अपनी बात करता हूं कि हमारी कोशिश रहती है कि जिस किसी ने पैसा खर्च किया है, जिस किसी की हार्ड एंड मनी है वो पूरी हो। हम मेकर हैं हमारे हाथ में सब कुछ है, हम भी 1180 ग्राम का बैट आप वेट मांगते हो हम दे सकते हैं। हम क्यों आपके साथ आर्ग्यू करते हैं, हमारे साथ जो काम करने वाले हैं वो कहते हैं यार भाई जो मांगते हैं बना के क्यों नहीं देते। हम इसलिए नहीं बना के देते क्योंकि उसमें हमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसमें हमें प्रेस बहुत लाइट रखनी पड़ेगी। प्रेस लाइट करने से बैट तो बड़ा फ्लफी सा मोटा सा दिखेगा, वेइंग स्केल के ऊपर रखोगे 1180 ग्राम ऐसे बिक भी जाएगा, बट आपके पैसे पूरे नहीं होते हैं। आप कंप्लेंट करते हैं कि भाजी 4 महीने बैट चला, कम प्रेस होने की वजह से बैट सॉफ्ट रह जाता है। बहुत से लोगों को रेग्रेट इसलिए नहीं होता कि सॉफ्ट प्रेसिंग से पंच तो बड़ा जबरदस्त आ जाता है, फिर एक ये भी कहते हैं यार भाजी जितना चला चला बड़ा जबरदस्त, चलेगा तो अपने आप ही, लाइट प्रेस से सॉफ्ट रह गया है, बॉल तो ट्रेवल करेगी करेगी, बट 4 महीने के लिए इतने पैसे खर्च करना, मेरे हिसाब से ये लाइफ कम है। हम बनाते थे, अब हमारी कोशिश रहती है कि फुल परफॉर्मिंग बैट बनाया जाए जो प्रॉपरली प्रेस्ड है,
क्लब वाले खेलते हैं 1260 1270 ग्राम से, 20-20 क्रिकेट है, 15-15 बॉलें आनी है हमारे इस हिस्से में। उसमें भी अगर एक दो शॉट ऐसे ना लगे जिसका इम्पैक्ट पूरा हफ्ता हमारे दिमाग में ना चला तो उसका फायदा क्या। हर चीज मेकर के हाथ में होती है, हर चीज हमारे लिए पॉसिबल होती है, हम भी हल्के बैट बना सकते हैं, बट क्या रीजन है वो हमने आपको बता दिया कि आइडली जो भी वेट होना चाहिए वो नियरली 12, 20, 30, 40 ग्राम आप उठाओ, और हम मेकर्स ने इतना जस्टिफाई किया हुआ होता है बैट की शेप, बैट का बैलेंस, कि आपको फील भी नहीं होता। एक प्रोफेशनल प्लेयर आके 100 ग्राम फर्क नहीं निकाल सकता, तो आपको कभी कभी खेलने वाले को बिल्कुल भी जज नहीं होगा कि यार ये 1250 ग्राम का बैट है, क्योंकि हमने बैलेंस ही ऐसा बनाया हुआ है, वो नहीं फील होता। आप बैट उठाते हो, आपको फील अच्छी आ रही है, आप बाय कीजिए। वेइंग स्केल के ऊपर रखोगे तो आधे बैट नहीं बिकते, और जो हल्के हल्के आप ले भी जाते हो वो परफॉर्म नहीं करते। सो आई एम होपफुल कि आपको समझ लग गई होगी कि आइडली क्या वेट होना चाहिए बैट का, प्लेयर की क्रिकेट के लेवल के हिसाब से। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई जरूर कीजिए, जब भी कभी शॉप पे जाएं तो पहले बैट की फील लीजिए और अपने आप ऑनेस्ट रह के अपने आप से जवाब मांगिए कि क्या ये वेट आपके लिए सही है जो आप ढूंढ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको वेइंग स्केल के ऊपर रखिए। ऑनेस्टी तब होगी जब आप अपनी दिल की और फील की सुनेंगे। तो आई एम होपफुल कि कुछ क्वेरी में ट्राई की सॉर्ट आउट करने के लिए। तो कॉन्टेस्ट 11 में हमने आपसे पूछा है कि आपको उस टीम का नाम गैस करना है जिसने सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल उठाए हैं। यू नीड टू गैस द नेम ऑफ दैट आईपीएल टीम हु लिफ्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपीएल ट्रॉफीज। आपको 7 अप्रैल 2023 तक अपने जवाब भेजने हैं। हम 8th को वीडियो बनाएंगे, 9th को शायद संडे है और उस दिन ये वीडियो अपलोड होगा। तीन क्राइटेरिया हैं आपको, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है, और हमारी एक हेल्प करनी है। हमारी हेल्प इसी में है कि आप ये वीडियो आगे से आगे भेजिए। हमें मोटिवेशन मिलती है जब बहुत से लोग बहुत सी क्वेरीज कलेक्टिवली भेजते हैं हमें। आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं क्रिकेट के रिगार्डिंग, और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर वो क्वेरी जो जनरली आप सबकी है आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेके आए, सो दैट कि आप जान सकें अपनी बहुत प्यार करने वाली गेम क्रिकेट इक्विपमेंट के बारे में, और हम ट्राई करेंगे वो ब्रिज बनने का कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है एज अ मेकर आप तक हम वो डिलीवर कर सकें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स अ लॉट।